आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 30,407 पहुंच गया है, वहीं 438 लोगों की मौत हो गई है। रुड़की, पुलिस को चकमा दे कैदी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली से एक कैदी पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी की तलाश में जुटी पुलिस ने एक टीम का गठन किया है। पुलिस द्वारा आरोपी को जल्द पकड़ने की बात कही गई है। अकेला देख बदमाशों ने कार में जबरन बैठाया, ऐसे बची युवती। केलाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी में कुछ लोगों द्वारा एक युवती को रास्ते से जबरन कार में बैठाने और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश का मामला सामने आया है। वहीं किसी तरह आरोपियों की चंगुल से निकलकर युवती पुलिस थाने पहुंची, जहां पुलिस ने मामले पर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड पुलिस ने जारी की मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची, जल्द शुरू होगी धरपकड़। उत्तराखंड पुलिस ने अनलॉक के दौरान फिर से सक्रिय होने वाले मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची जारी कर दी है। ये सूची देहरादून समेत 5 जिलों में जारी की गई है। गढ़वाल आईजी ने बताया कि जल्द मोस्ट वांटेड अपराधियों की धरपकड़ शुरू की जाएगी। कीर्तिनगर ब्लॉक में शराब की दुकान खोलने का विरोध। श्रीनगर के कीर्तिनगर ब्लॉक में शराब की दुकान खोले जाने का जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया है। जनप्रतिनिधियों ने इसे लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। यूकेडी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी और शहीद राज्य आंदोलनकारियों का करेगी श्राद्ध। देहरादून में उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी और शहीद राज्य आंदोलनकारियों के लिए पितृ श्राद्ध करेगी। आखिर अमावस्या यानी 17 तारीख को यूकेडी ने इसके लिए वृहद तैयारियां की है। देर रात हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला भीषण एक्सीडेंट, एक के दोनों पैर कटे। देर रात राजपुर रोड पर अनियंत्रित डंपर डिवाइडर पर चढ़कर बिजली के पोलों से टकरा गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था, जिसकी वजह से डंपर अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गया। इस एक्सीडेंट में क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके दोनों पैर कट गए। इसके अलावा ट्रक की चपेट में आने वाले स्कूटर सवार युवक युवती घायल हो गए। पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 महीने से नहीं मिला वेतन, आंदोलन की चेतावनी। उन्होंने भी आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के कर्मचारियों ने कहा कि पिछले माह से मानदेय न मिलने के कारण अब उन्हें सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अगर उन्हें वेतन नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हल्द्वानी में 1 अक्टूबर से शुरू होगा खनन सत्र, तैयारियों में जुटा विभाग। हल्द्वानी में 1 अक्टूबर से खनन का काम शुरू होना है। वहीं खनन सत्र को लेकर वन विकास निगम और वन विभाग का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं ऋषिकेश में खस्ताहाल सड़क से परेशान लोग, हादसों का सता रहा डर। रायवाला में सरकारी तंत्र और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़कों की खस्ताहाल स्थिति के कारण वे बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जगह जगह सड़क पर गड्ढे आए दिनों हादसों का दावत दे रहे हैं। पितृ अमावस्या 2020, श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की अनुमति नहीं, 24 घंटे पहले सील होगी हर की पैड़ी। कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने पितृ अमावस्या पर हर की पैड़ी पर स्नान समेत सभी धार्मिक गतिविधियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। 24 घंटे पहले ही पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र को सील करने की योजना है। नारायणशिला मंदिर बंद करने पर सहमति बन गई है। डीएम ने स्पष्ट किया है कि केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए तमाम प्रतिबंध लागू होंगे। पितृ अमावस्या 17 सितंबर को है, लिहाजा बुधवार को शाम 7 बजे से बृहस्पतिवार तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। चमोली के तपोवन के समीप अनियंत्रित यूटिलिटी की चपेट में आए बाइक सवार 2 की मौत। उत्तराखंड की चमोली में मंगलवार देर शाम तपोवन के समीप एक बड़ा हादसा हो गया। एक यूटिलिटी की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत हायर सेंटर ले जाते वक्त पीपल कोटी में हुई। कोतवाल जयपाल नेगी ने बताया कि तपोवन के समीप 2 बाइक सवार सड़क किनारे खड़े थे। इतने में मलारी से जोशीमठ की ओर आ रहे यूटिलिटी के टायर स्लिप होने की वजह से दोनों व्यक्ति वाहन की चपेट में आ गए। वर्ल्ड ओजोन डे 2020, बदलते वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों ने बढ़ाई चिंता। जीवाश्म ईंधन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और शहरीकरण के चलते ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोकार्बन व जलवाष्प आदि जलवायु परिवर्तन का कारण है। इसके चलते वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के चलते देश में हुई तालाबंदी से यह साबित हो गया है कि पृथ्वी पर बढ़ते तापमान एवं उसके वातावरण में होने वाले बदलाव में ग्रीन हाउस गैसों की अहम भूमिका है, जो कि पूरी तरह से मानव जनित है। बंशीधर भगत ने पीएम मोदी को बताया उत्तराखंड का सच्चा हितैषी, जन्मदिन की दी शुभकामनाएं।
बंशीधर भगत ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुंमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया, मोदी जी सवारेंगे का नारा दिया था। आज यह बात 100% सच हो रही है। टीएसआर सरकार का बड़ा कदम, अपनी सरकार से घर बैठे होगा हर काम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता के लिए अपनी सरकार पोर्टल बनाने के निर्देश दिए हैं। अब सभी ई डिस्ट्रिक्ट की सेवाएं अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यह पोर्टल ITDA और NIC के सहयोग से विकसित किया जाएगा। सचिवालय में सेवा का अधिकार और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेवा के अधिकार के अंतर्गत सभी 243 नोटिफाइड सेवाओं को 3 माह के भीतर ऑनलाइन किया जाए, जिससे जनता घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने निर्देश दिए कि सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाए। सेवा के अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की विभागवार बैठक होगी। सेवा के अधिकार के अंतर्गत सभी नोटिफाइड सेवाओं की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रति माह एवं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रति 2 माह में प्रगति की समीक्षा होगी। जम्मू से परीक्षा देने उत्तराखंड पहुंचे 4 छात्र कोरोना पॉजिटिव, सूझबूझ से हुए ट्रेस। कोरोना पॉजिटिव मिले 4 छात्रों के पास 7 सितंबर को कराई RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट थी। टिहरी में दोबारा टेस्ट कराने पर ये 4 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चारधाम यात्रा 2020 अगले महीने शुरू हो सकती है केदारनाथ के लिए हेली सेवा। प्रसिद्ध केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को अगले माह से हेली सेवा की सुविधा मिल सकती है। कोविड महामारी के चलते अभी तक केदारनाथ के लिए हेली सेवा का संचालन शुरू नहीं हो पाया है, जबकि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण मार्च माह से ही सिरसी, फाटा, गुप्तकाशी से हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरा कर चुका है।